Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel. So इस वीडियो में हम बात करने वाले जो DHS DME और DHS FW का असम एडमिट कार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था फॉर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, इट हैज बीन पोस्टपोन्ड क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल जो हमने साइट में देखा था जहाँ पे एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आया था वहां पे ही पोस्टपोनमेंट का आपका नोटिफिकेशन भी दिया गया है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लिख दिया गया है कि द रिटेन एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 15 मई 2022 इन 3 सेशन इज पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर नोटिस। द डेट फ्रॉम विच एडमिट कार्ड फॉर द रिटेन एग्जामिनेशन शैल बी इशू विल बी नोटिफाइड लेटर। सो ये आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड डेट पता चल गया है कुछ सोर्स से, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एग्जाम डेट पता चल जाएगा जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है। सो ये जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड कल रिलीज होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो इसका आपको ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन देखना है तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, मैं आपको ये साइट दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन सी दैट द एडमिट कार्ड इज पोस्टपोन्ड और इसका एग्जाम पोस्टपोन नोटिस में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट नए पेज में आ जाते हैं जो कि आपका लिखा है रिटेन एग्जाम पोस्टपोनमेंट नोटिस। ये आपका नोटिस आया है जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट डेट दिया गया है और आपका सारे पोस्ट के बारे में बताया गया है जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट थे आपका DHS DME और DHS FW का, उसका जो 15 मई को 3 सेशन में एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। और ये आपका ऑफिशियल सिग्नेचर है, लेकिन यहाँ में सील नहीं मारा हुआ है, लेकिन अगर ऑफिशियल साइट में ये दे दिया है तो ऑफिशियल नोटिस ही है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि क्यों ये पोस्टपोन हो रहा है, क्योंकि आपका 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा गया है इसमें और एक दिन में इसे कराना पॉसिबल नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। तो आसाम के गवर्नमेंट ये करना चाह रहे हैं कि इसका डेट एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि और अरेंजमेंट हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को भी इंडल्ज करना है इसके लिए ताकि एग्जाम टाइम पे हो सके और सबको अच्छे तरीके से ये एग्जाम देखने को मिले। उसके बाद जो मैं आपको कह रहा था कि एक्सपेक्टेड में डेट में आपको बताने वाला हूँ एग्जामिनेशन का, तो ये आपका लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में होने वाला है, ये श्योर शॉट है, इससे लेट आपका नहीं होगा। सो आपको ज्यादा लेट नहीं करना है अपने प्रिपरेशन में और मतलब अपना मोटिव चेंज नहीं करना है कि मेरा एग्जाम अभी नहीं है तो मैं बाद में पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रीवियस ईयर पेपर में करा ही रहा हूँ, आपको एग्जाम का पूरा आइडिया है ही, तो आपको प्रिपरेशन करते रहना है। और मुझे आपको सिर्फ इतना ही कहना था, डू नॉट स्टॉप योर प्रिपरेशन, गो थ्रू ऑल द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज इट कंटेन ऑल द प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड पेपर भी आपको करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, साथ में मैथ्स का जो पेपर हो रहा है वो तो आपका चल ही रहा है, मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो चल रहा है, स्टेटिक जीके चल रहा है, साथ में DHS का सारा प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला के रखा हूँ अपने चैनल पे और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप प्लीज अपना प्रिपरेशन मत रोकिए, बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। थैंक यू गाइज फॉर द लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और कैसा लगा ये नोटिफिकेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइस।